रायबरेली पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का किया खुलासा, 3 अभियुक्त गिरफ्तार। जी आपको बता दें, रायबरेली जनपद के पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के दिशा निर्देशन में रायबरेली बछरावा पुलिस के द्वारा एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया गया है। बताते चले, 25 मार्च को बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेहंगो के पास बने जंगल में एक युवक का शव बरामद किया गया था। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उच्च अधिकारियों को घटना के बारे में अवगत कराया था, जिसके बाद अधिकारियों के द्वारा टीम को गठित कर सर्विलांस की मदद से घटना में प्रयुक्त 3 अभियुक्तों को दबोच लिया था, जिसमें 5 लोग आरोपी पाए गए थे। 2 अभियुक्त अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। 24x7 लाइव टीवी के लिए रायबरेली से राम सुमेर की रिपोर्ट। वो एरिया काफी वीरान है और काफी लंबा है। हम लोगों की सर्च की टीम लगी तो 25 तारीख को सुबह एक विनायकपुर गांव के आदमी ने, और वैसे जब ने सूचना दिया तो उसी सर्च की टीम और घर वाले रात में ही लगे थे, और वहाँ नाले के पास मृतक की डेड बॉडी पाई गई भारत की। इसमें हम लोगों ने जब पूरा CDR प्राप्त किया और एनालिसिस किया कि निकल करके ये आया कि राम सजीवन जो साथ ले गया था उसका इन्वॉल्व